फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वन मिनट मेंटर। आज हम जिस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ माय चाइल्ड। जनरली पेरेंट्स इस चीज के लिए बहुत बॉदर्ड रहते हैं कि वो एक चीज क्या है जो मेरे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम रोटी कपड़ा मकान। तो आपको जो बेसिक नीड्स है सर्वाइव करने के लिए वो तो है ही, पर एक पेरेंट से एक बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है। सो अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, इस चीज का आंसर देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय में पीछे ले जाना चाहूंगी। जब आपका बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पे वो जब छोटा सा था, जब वो कुछ नहीं जानता था, उसे भूख कब लग रही है, उसे प्यास कब लग रही है, उसका पेट कब दर्द कर रहा है, ये सारी चीजें उसके रोने से आप समझ जाते थे। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज आप उसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज स्पेंड करते थे, वो था आपका टाइम। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो इंडिपेंडेंट होने लगता है, और माने या ना माने धीरे धीरे हम अपना जो है एक स्टेप बैक करते रहते हैं और टाइम स्पेंड जो हम करते हैं वो कम होता जाता है। बट वो बच्चा तो वही है, उसके दिमाग को आज भी वही चाहिए, उसके पेरेंट्स का अनडिवाइडेड टाइम। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, The one thing that your child needs is your time. आपका बहुत ही अच्छा बिताया हुआ टाइम जिसमें आप मस्तियां करें, गेम्स खेलें, बातें करें, मूवीज देखें, बाहर जाएं, ट्रैकिंग करें, जो भी आपका मन करता हो। पर ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, ये होना चाहिए अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड अटेंशन से मेरा मतलब है इसमें कोई भी स्ट्रेस की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को एक घंटे बैठ के एग्जाम में कैसे और अच्छा करना चाहिए या होमवर्क उसने क्यों नहीं किया, इस पे अगर आप उसे डांट रहे हैं तो ये उसमें काउंट नहीं होगा। अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, हंसी की बातें, ये सारी चीजें, एंड मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से दूर। ये सबके बिना जब आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं या हंसते हैं या सिर्फ उसे बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, उसे बड़ा होते देखते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। डेली बेसिस पे अगर आप 15 मिनट से आधे घंटे ऐसा समय अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें तो आपका और उसका बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी राइट। आपके अगर और कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जिनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं और चाहेंगे कि मैं उसका जवाब दूं, प्लीज अपना क्वेश्चन कॉमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल गेट बैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।